फेसबुक के सीईओ ने किया ऐलान, फेसबुक को दिया जाएगा अब नया नाम। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पा, न्यूज़स्टार में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल देने का फैसला लिया है। अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। थर्सडे को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया है। हम आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी। अब इसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और अब फाइनली फेसबुक का नाम मेटा कर देने की बात की गई है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि हम एक ऐसी कंपनी है जो कनेक्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण करती है। एक साथ हम कई लोगों को अपनी तकनीक के केंद्र में रख सकते हैं और साथ में हम एक व्यापक रूप से बड़ी निर्माता अर्थव्यवस्था को अनलॉक कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब करने के लिए कि हम कौन हैं और हम क्या बनाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक नाम पूरी तरीके से कंपनी द्वारा अब तक की जाने वाली हर चीज को शामिल नहीं करता है। समय के साथ मुझे आशा है कि हमें एक मेटा टावर कंपनी के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने आगे क्लियर किया कि कंपनी के एप्स और अनेक ब्रांड जिसमें फेसबुक शामिल है इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट आ रही थी कि फेसबुक एक नए नाम के साथ रीब्रांडिंग करने की प्लान कर रहा है। फेसबुक मेटावर्सेस बनाने पर फोकस कर रहा है जो मूल रूप से एक ऑनलाइन दुनिया है जहां लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करने और कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में भारी इन्वेस्ट किया है। अब आइए जानते हैं कि इस नए नाम के मायने क्या है। जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समीत चक्रवर्ती की तरफ से इस नाम का सुझाव दिया गया है और क्योंकि मार्क जुकरबर्ग पहले से ही वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में भारी निवेश कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए कंपनी का नाम मेटा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इस नाम के जरिए वो पूरी दुनिया के सामने खुद को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखने वाले हैं। आपके मन में तो ये सवाल उठ ही रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि फेसबुक अपना नाम बदलने की सोच रही है। हम आपको ये बता दें कि कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये कदम उस समय उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर्स की डेटा तक को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। हाल ही में जब फेसबुक के कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने कंपनी के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे, उसमें ये सामने आया था कि फेसबुक ने यूजर सेफ्टी के ऊपर अपने खुद के मुनाफे को रखा था। मार्क ने जरूर इसे झूठ बता दिया, लेकिन कंपनी की काफी कड़ाकड़ी हुई थी। विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रदान किए गए हानिकारक आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर खुलासे के बाद फेसबुक पिछले कई हफ्तों से गहन जांच के दायरे में है। अन्य बातों के अलावा फेसबुक का इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म यूथ्स विशेषकर लड़कियों के लिए जहरीली जगह बन गई है और एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कंपनी को तोड़ने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता का भरोसा उठ गया है। बता दें कि फेसबुक के डेली एक्टिव यूजर्स 1.93 मिलियन तक पहुंच गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% यानी कि 110 मिलियन से अधिक है, जबकि महीने के एक्टिव यूजर्स में पिछले वर्ष की तुलना में 170 मिलियन या 6% की वृद्धि हुई है। फेसबुक वर्तमान में 68,177 लोगों को रोजगार दे रहा है जो साल दर साल 20% की वृद्धि है। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर मेटावर्सेस 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। उनका मानना है कि मेटावर्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर लोग कम्युनिकेट करेंगे और उत्पाद एवं सामग्री तैयार करने के लिए कार्य कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद है कि यह एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म होगा जो क्रिएटर्स के लिए लाखों नौकरियां सुसज्जित करेगा। गौरवताल है कि यह घोषणा एक ऐसे समय पर आई है जब फेसबुक अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। फेसबुक पेपर्स के खुलासे के बाद इसी दुनिया के कई हिस्सों में विधायी और नियामक जांच का सामना करना पड़ रहा है। भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 41 करोड़ है। फेसबुक और अन्य बड़े कंपनियों के लिए मेटावर्सेस एक एनकरेजिंग विजन है क्योंकि इससे नए बाजार, नए प्रकार के सोशल नेटवर्क, नए उपभोगी इलेक्ट्रॉनिक्स और नए पेटेंट के लिए अवसर पैदा होता है। हाल ही में भारत सरकार ने फेसबुक को पत्र लिखकर सोशल मीडिया कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम और प्रक्रिया का विवरण मांगा है। फेसबुक की तरफ से अभी तक इतनी ही जानकारी प्राप्त हो पाई है। आगे और क्या होता है
इसकी सूचना मिलने पर हम आपको जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़स्तान। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।